Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes and today we are going to solve class 10th English model test paper which is prepared by your own Suksham Ma'am. So let's start. Pehle main tanu kede section vich ki aan wala hai to kinna marks carry kar rahe ho sara dass dangi and after that we will solve this model test paper. Total ne 40 marks, you know it very well. सेक्शन ए विच आएगा अनसीन पैसेज, दिस मीनस कि कितों भी कोई भी पैसेज जो तुसी रीड नहीं किया वेख्या नहीं है वो तुहानू पा दिता जाएगा। इस पैसेज विचो तुहानू पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो तुसी आंसर करने ने विद ऑप्शंस होंगे आंसर्स, ठीक है। तो यह सैक्शन तुहाडा कैरी कर रहा है 5 मार्क्स। नैक्सट तुहाडा आएगा सैक्शन बी विच विल बी यू नो रिलेटिड टू योर टैक्स बुक्स। ये 15 मार्क्स से तुहानू टैक्स बुक्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। All the three things, मतलब कि poems, main course and supplementary, तीनों चीज़ें इस section च आएगी, section B च, okay? हुन section C विच की आएगा, section C विच आएगा तड़ा grammar portion थोड़ा जिया, जिदे विच तानू one word for many, correct incorrect sentences and that your proverbs पूछे जा सकते हैं। 3 marks है section carry करेगा and section D is for 17 marks, 17 questions ने इस section विच, sorry, जिदे विच तुहानू ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी दे 2 क्वेश्चंस होंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश दे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड होएगा जिदे विच डिटरमिनर, प्रेपोजिशन, इनफिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड योर वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, क्लॉजेस दे बारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम कंपोजिशन पार्ट विच यू नो इट वेरी वेल, तुहाडा मैसेज, नोटिस राइटिंग एंड की आएगा लास्ट की एडवर्टाइजमेंट, इहदे बारे क्वेश्चंस आणगे 5। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप तुहानू समझ आ गया किस सेक्शन विच की आना है तो किन्ना मार्क्स कैरी कर रहा है। नाउ लेट्स रीड दिस अनसीन पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 11,570 एकर्स, कालसर रिजर्व फॉरेस्ट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन हरियाणा। हुन एक पैराग्राफ जो है वो एक फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट बारे है जिदा नाम है कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट विच इज इन हरियाणा। तो इहदा जो एकड़ टोटल एरिया है वह है 11,570। इट इज होम टू अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग 3 एलिफेंट्स, अ मेल टाइगर, 16 मेल फीमेल लैपर्ड्स, 19 पैंथर्स एंड सम अदर एनिमल्स एज वेल। हुन इहनू एक तरह का घर बनाया गया है वाइल्ड एनिमल्स का जो इनकलूड करते हैं 3 एलीफेंट्स, 1 मेल टाइगर, 16 मेल एंड फीमेल लैपर्ड, 19 पैंथर्स ते होर भी काफ़ी जानवर। स्प्रैड ऑन बोथ साइड ऑफ यमुनानगर, यह यमुनानगर के दोनों साइड से हैगा है। पोंटा साहिब रोड इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज डेजिग्नेटेड अ नेशनल पार्क थ्रू अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2003। हुन गवर्नमेंट ने इनू की करता, डेजिग्नेट करता, मतलब कि इनू मानता देती एज अ नेशनल पार्क कदों, दिसंबर 2003 विच। हाउ एवर इट इज अलेज्ड लैक ऑफ सफिशेंट फंड्स इज प्रूविंग टू बी अ हिंड्रेंस इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द नेशनल पार्क। बट इन्हों एक मुसीबत का सामना करना पै रहा है कि इन्हों काफ़ी फंड नहीं मिल रहा जिन्ना चाहिए है, फंड मीन्स पैसा नहीं मिल रहा जिदे कारण इनू मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रिवील्ड दैट इट इज द ओनली फॉरेस्ट इन हरियाणा विद नेचुरल साल ट्री बेल्ट। हुन ए इकलौता फॉरेस्ट हरियाणा विच जिदे विच नेचुरली साल ट्री बेल्ट तुहानू मिल रही है। किन्ने बोलिया, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट नू भी एक टेक केयर करने लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो वो ऑफिसर्स पूरा इनू म्योना करते रहते हैं, इट्स देयर रिस्पोंसिबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि ए नैचुरली ये सानू सॉल्ट्री बेल्ट मिलती है जो हरियाणा विच होर किते नहीं मिलती। थर्ड, एज फॉर द स्टेप्स टेकन टू इनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट, इट वॉज डिसक्लोज दैट स्टाफ हैड बीन गिवन वेपन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू टैकल द मेनेंस पोस्ट बाय प्रोचर्स। हुन की हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ है, लोग हंटिंग करन भी आ सकते हैं, किस तरह की कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं लोग, कई होंगे ने, तो इसलिए वो सिक्योरिटी लिए की किया गया है गवर्नमेंट ने
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਕਟ ਅਪ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੋਰਟਸ, ਵਨ ਈਚ ਇਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਂਡ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੀਸਿਟ ਫੈਲਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੀ ਏਰੀਆਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਨ ਈਚ ਐਟ, ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਪੇੜ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। 8 ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੋਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਕ ਅਪ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੇ ਇਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਫੋਰ ਇਟਸ ਫ੍ਰਿੰਗੀਜ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਵਾਟਰ ਹੋਲਸ, 8 ਹੋਲਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਅਰਥਨ ਡੈਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਵਾਟਰ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਫੋਰ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਥਨ ਡੈਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਚਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਕ ਟੂ ਫੈਂਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵਾਈਲਡ ਫੌਨਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਫੈਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਨਾਓ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਪੈਸੇਜ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਨਸਰਸ ਫੋਰ ਯੂ। ਕਾਲੇਸਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਜ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਕ ਥਰੂ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡੈਸ਼। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਸੰਬਰ 2003। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਡੈਸ਼ ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੋਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਗ ਅਪ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਟੂ ਸਟੋਪ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫਰੋਮ ਗੋਇੰਗ ਅਸਟ੍ਰੇ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਕਿੰਨੇ? 8। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਥਰਡ, ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਮੀਨਸ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਿਵ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, ਹੈਬੀਟੈਟ। Which word in para 3 is synonym of danger and risk? Danger ya risk ka synonym keda hai? Menace. Fifth and last is the word illicit means. Hun illicit word da meaning ki hai? Illegal. Option D, not allowed by law. Theek hai. Now section B, Happy Prince lost all his dash dash and dash. Ki gwaaj gaya si oda matlab ki unne ki deta si jadon unnu apne ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ? ਗੋਲਡ, ਰੂਬੀ ਐਂਡ ਸਫਾਇਰਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਵਟ ਵਾਜ ਦੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ? ਵਟ ਵਾਜ ਦੀ ਹਾਰਟ ਆਫ, ਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੋਲਡ, ਲੈਡ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਰੂਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, ਲੈਡ। 8th, ਨੇਮ ਦ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਐਸੇ ਵੇਅਰ ਇਜ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਸੇ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ ਦਾ ਔਥਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਡਬਲਿਊ ਪੈਨੀਕਵਿਕ। 9th, ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਫੇਅਰ ਬਾਏ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ, 10th, ਡੇਲਾਸ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੋਵਰਟੀ। ਹੁਣ ਡੇਲਾ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਟਰੂ। ਡੇਲਾ ਸੋਲਡ ਹਰ ਹੇਅਰ ਫੋਰ ਡੈਸ਼ ਡਾਲਰਸ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੇਚੇ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ $20। ਦ ਆਥਰ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਇੰਡ, ਵਾਈ?
ऑप्शन ए नईम वुड डिस्क्राइब सीन्स आउटसाइड द विंडोज क्योंकि नईम ओनू विंडो दे बाहर दे सीन डिस्क्राइब करता सी। ऑप्शन बी नईम नईम यूज टू एडमायर ऑथर्स पेंटिंग नईम ऑथर दी पेंटिंग्स नू एडमायर करता सी प्रेस करता सी ओदी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉट मेंशन इन द चैप्टर ऑप्शन सी इज योर आंसर बोथ ए एंड बी यूज टू डिस्क्राइब सीन्स आउटसाइड द विंडोज एज वेल एज एडमायर ऑथर्स पेंटिंग। 13th, the author was a dash painter. Author kya ho jaya painter si? Option D, amateur. Amateur means lover. 14th is, what was the government rate of rice at that time? Us time the government ne chawla da rate ki rakhya hoya si? Option B, one seed of rice for 1 rupee. Question number 15, O. Henry is the writer of which story? O. Henry jo hai, o keri story the writer hai? Option B, 1000 dollars. मेक श्योर तुसे सारी स्टोरीज दे तुहाडी पोम्स दे राइटर्स दे नाम याद कर लो। बॉबी वॉज द ओनली हायर ऑफ हिज अंकल्स प्रॉपर्टी बॉबी इकलौता वारिस सी अपने अंकल दी प्रॉपर्टी दा ऑप्शन बी फॉल्स। हुण तुसे इस स्टैंजा नू रीड करना है तो ओह तो बाद थल्ले दो क्वेश्चन दिते हुए ने उहनू आंसर करना है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज ऑफ फेयर और फेयर टू फॉल लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ though not the lands and having nothing yet hath all what does the poet names means by the man hun the man nal poet da ki meaning hai option c is your answer the man who wants to be truly happy 18th what do servile bond mean refers to option a the hope to rise option b the hope to fall option c both a and b d none of these option c is your answer both A and B, the hope to rise and the hope to fall. Again, one more stanza. God only knows, said Pratap Singh, that which I lose today and without me, no hand of man shall bear my friend away. What did Pratap Singh say he had lost? Pratap Singh ne ki kya ki yoda gwaaj kya hai? Option A, a dear friend. And without me, no hand of man What is poet talking about here? Hun poet kidi gal kar reha si? Kis cheez di gal kar reha si? Kis situation di o gal kar reha si? Option B is your answer. No one was ready to carry the bier of English man. Now comes section C. Give one word of the for the following. A list of names of books ID is called. Hun books de jo tun jichche names di ID sare ikatthe ek list bani hundi hai. Onu ki kehnde ne? Option C. Catalog. Choose the correct sentence choose करना है Shruti is my cousin's sister, Shruti is my cousin's sister, Shruti is my cousin, Shruti is my cousin's sister. Option आएगा C, Shruti is my cousin, तानु sister रखन दी लोड नहीं, लिखन दी लोड नहीं है, Shruti is a girl, the listener knows that, cousin तो पता चल गया कि वो तड़ी cousin's sister है, so Shruti is my cousin, that's it. Which of the following proverb means family relationships are stronger than others? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ proverb ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ family relations ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Option A is your answer. Blood is thicker than water. Section D, translation from English to Punjabi. War is the worst example. Is ਮਤਲਬ present tense. ਜੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਉਦਾਹਰਣ है। 25th, I have come to bid you goodbye. Have come आ रहा है इसलिए बनेगा मैं तुहानू अलविदा कहन आया हाँ। Translation from Punjabi to English, मैं चिट्ठी लिख रहा रही हाँ। Continuous है, present है, I am writing a letter. Option B is your answer. तुसी अपनी किताबा क्यों खराब कर रहे हो? Why are you spoiling your books? Option A is your answer. Next is do as directed. Dash money is better than nothing. Use suitable determiner. Ithe aayega a little money. Option B. A little money is better than nothing. Next. He was given a grand party on the eve dash his retirement. Preposition use karna hai. Ithe aayega option A. Of his retirement. Complete the following sentence using the infinite form of verb given in the bracket.
आई फाइंड द वर्ड साइकोलॉजी डिफिकल्ट डैश स्पेल। हम इनफिनाइट फॉर्म बनानी है, स्पेल दी की बनेगी ऑप्शन बी टू स्पेल। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव। आई वुड बी हैप्पी इफ आई कुड ज्वाइन द कंपनी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई वुड बी हैप्पी टू ज्वाइन दिस कंपनी। थर्ड चेंज 32nd चेंज द वॉइस। आई गेव हिम अ बुक। ए अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी। बी ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सी इज योर आंसर, बोथ ए एंड बी, बिकॉज दोनों ही इधर की ने पैसिव फॉर्म ने। अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी एंड ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी, बोथ आर करेक्ट। सिंस यू आर लेट, वट एडवर्ब क्लॉज इज दिस। हूँ कि क्लॉज है एडवर्ब का? एडवर्ब क्लॉज शोइंग रीजन, कि ए उस बंदे का रीजन पता चल रहा है। नैक्सट पिक आउट द ऑब्जेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। हूँ सेंटेंस विच ऑब्जेक्टिव क्लॉज के है? ही हू हैज नो मनी हैज नो फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज योर आंसर, हू हैज नो मनी। वट काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज is the following sentence. हुन केड़ा subordinate clause दा है, kind है? That Rohan was a thief was not known to me. Option A तो आंसर आएगा noun clause, because it's a Rohan है. Rohan is a noun, name of person, place, animal or thing, and it's a name of a person. That's why noun clause. Next come composition part, so 5 marks दी है. Most often the message writing is a telephonic conversation between dash people. हुन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुंदी है वो किदे विच हुंदी है जो आप मैसेज राइटिंग कर रहे हैं? ऑप्शन ए टू। व्हाट डज 24/7 मीन्स। 24/7 मीन द मीनिंग की हुंदा है? अराउंड द क्लॉक, मतलब कि ताडा 24 घंटे ताडे लई अवेलेबल। हाँ नाउ नेक्स्ट इज 38th, अ नोटिस इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पुटिंग अप ऑन द स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द स्कूल इंस्पेक्शन टू बी हेल्ड ऑन 19th November 2021. It is from Seema Singh Sharma, sorry, the principal, Government High School, Mohali. Now, according to the rules of the notice writing, what will be written on the top of this notice? Hun ek notice prepare karna hai, jide vich students de, matlab ki notice board to lagega, jide vich likha jayega kide bare ki 19 November 2021 nu ki hai, school inspection hai ki hai. यह नोटिस किद द्वारा लिखा जा रहा है? सीमा सिंह द प्रिंसीपल द्वारा, जो कि प्रिंसीपल है गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहाली की। हूँ पूछते पे ने कि नोटिस के टॉप च की लिखा जाएगा, सब तो पहले की हैडिंग दिती जाएगी, ठीक है? ऑप्शन ए इज योर आंसर, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहाली। पहले सब तो पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर नोटिस लिखा जाएगा, डेट आएगी, लास्ट विच रीमा शर्मा प्रिंसीपल आएगा। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। A message is a dash piece of information that you can give to a person when you cannot speak to him directly. Hun message kede tarike da ek information hai jo tusi us bande nu de sakde ho jadon tusi onal face to face gal nahi kar sakde ho ya directly onu message nahi de sakde ho likh ke ja rahe ho. It's a short piece of information, chota jaha ek information da piece hai. Advertisements are the messages carried in media. इन मीडिया लाइक हूँ एडवरटाइजमेंट कितने दिते जाते हैं? न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविजन के? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एंड विद दिस आर टूडेज माल्टेस पेपर इज सॉल्व। मैं तुम्हें एक बार इधर टू पेज व्यू ना दिखा दिनी है, सो दैट यू कैन सेव द स्क्रीन शॉट्स फॉर योर फ्यूचर यूज। है देख लो, तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड पेज है, क्लिक द पिक्चर इफ यू वॉन्ट। सेकेंड पेज, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन एंड लास्ट स्क्रीन।